उत्तर प्रदेश समेत पूरे उत्तर भारत की अगर बात करें तो ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ठंड से अब तक यूपी की केवल 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। घने कोहरे का असर ट्रेन और विमानों के संचालन पर भी पड़ रहा है। वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट से 7 विमान निरस्त कर दिए गए हैं। 11 विमान 1 से 5 घंटे की देरी से जो है वो पहुंच रहे हैं। प्रदेश से खुलने और गुजरने वाली 100 से ज्यादा ट्रेन देरी से चल रही है। तो ठंड से सब कुछ जम चुका है जी। हां, कोहरे के चलते 40 उड़ानें जो हैं रद्द कर दी गई हैं। 21 फ्लाइट्स का रूट जो है वो डाइवर्ट किया गया है। कोहरे की वजह से 450 उड़ानों में देरी, 450 उड़ान जो है वो देरी से उड़ रही हैं। रेलवे ने 38 ट्रेनों को रद्द किया है। 34 ट्रेन जो हैं वो देरी से चल रही हैं। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं लखनऊ, मेरठ, कानपुर और प्रयागराज की ये तस्वीर। तो देखिए लखनऊ में कैसे लोग अलाव जला रहे हैं, अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। सड़क पर जो लोग रहने को मजबूर हैं उनके लिए कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ अलाव ही सहारा है, क्योंकि ठंड का प्रकोप जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है और जो अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में और ठंडी हवाएं चलेंगी, बारिश की संभावना भी लगातार जताई जा रही है। तो लखनऊ की तस्वीर देख रहे हैं, मेरठ में देखिए कि किस तरह से विजिबिलिटी कितनी कम है, कोहरे का असर देखने को मिल रहा है, गाड़ियां बिल्कुल धीमी रफ्तार पर चल रही हैं। कानपुर में भी लोग कमोबेश हर जगह की तस्वीर अगर आप देखेंगे तो यही तस्वीर नजर आएगी कि लोग चाहे घर में हैं या वो सड़क पर है या किसी दुकान के पास या चौपाल के पास, अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं खुद को गर्म रखने के लिए। और प्रयागराज में देखिए किस तरह का कोहरा देखने को मिल रहा है।